नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के भीतर ही केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के संस्थापकों में से एक शांति भूषण ने कहा है कि केजरीवाल में पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक अच्छे कैंपेनर जरूर हैं, लेकिन उनमें सांगठनिक क्षमता नहीं है और वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मैनेज कर सकें, ये क्षमता उनमें नहीं है। हालांकि योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने बयान को देखा नहीं है, इसलिए वो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और इसलिए जो होगा उस पर वो आगे टिप्पणी करेंगे। मैंने देखा नहीं है, जब तक किसी चीज को देखो नहीं, और खासतौर पर शांति भूषण जी का बयान अपनी आंख से मैं देखूं उसके बाद ही मैं रिएक्ट करूं, वही शोभा देता है। सर, लेकिन उनसे अगर हटके भी बात करें तो क्या पार्टी में जो इंटरनल कहा जाए, तो अगर पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि जहां पर सुनवाई नहीं होती लोग, तो क्या इस तरीके की स्थिति कहीं नजर आती है आपको आम आदमी पार्टी के साथ? मैं समझता हूं देश की हर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ज्यादातर पार्टियों में चर्चा बंद हो गई है क्योंकि वहां लोग मान बैठे हैं कि इन पार्टियों में कुछ संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी में अभी भी ये चर्चा जिंदा है और शुक्र है कि देश की एक पार्टी तो है जिसमें ये चर्चा जिंदा है। आम आदमी पार्टी में इन विषयों पर बात होती है, चर्चा होती है और मुझे यकीन है उससे कोई ना कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। हालांकि ये वही योगेंद्र यादव हैं जो कि कुछ दिन पहले खुद पार्टी से नाराज हो गए थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और यहाँ चर्चा होती रहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर ये पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। हालांकि इस बीच बीजेपी भी शांति भूषण के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। देखिए, अरविंद तो उसी दिन फेल हो गए थे जब वो दिल्ली की सरकार से भागे थे, 49 दिन की उनकी जो सरकार थी, सरकार छोड़कर भाग गए थे, तो जनता ने उसी दिन मन बना लिया था कि ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकते, सिर्फ झूठे वायदे कर सकते हैं और ऐसे वायदे कर सकते हैं जिनको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो जनता ने तो उसी दिन उनको बिल्कुल उनसे अपने आप को अलग कर लिया था। अब धीरे धीरे बहुत वृद्ध नेता हैं और अगर उनको इस बात का एहसास हो रहा है तो दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है। अगर शांति भूषण ने कहा तो देना चाहिए, और क्योंकि कोई भी डिमांड शांति भूषण जैसे आदमी ने की है तो तुरंत प्रभावी। अरविंद केजरीवाल में जरा भी गरिमा जिंदा है और उसके अंदर जरा भी इस तरह की भावनाएं अंदर अगर हैं, अगर उस देश को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं पद का लालची नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री पद का लालची नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का लालची नहीं हूं, लेकिन पार्टी में इतने सीनियर आदमी ने यह डिमांड रखी है, मैं उनकी बात को मानते हुए पद से रिजाइन करता हूं। तो दूसरे बहुत सारे काबिल लोग हैं, ऐसा तो है नहीं किसी पार्टी में एक ही आदमी जो अनिर्णय बन गया पूरे जीवन वही रहेगा, हमेशा बदलाव होता रहा। श्री शांति भूषण जी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी पर जो टिप्पणी की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के देश के भोले भाले लोगों की भावनाओं को ठगा है, और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को जिस तरीके से जन लोकपाल और स्वराज के नाम पर सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोला है, इससे बड़ा सत्ता का लालची व्यक्ति इस देश की राजनीति में नहीं आया। और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, अरविंद केजरीवाल से नाराजगी या पार्टी के अंदर उन तक पहुंच नहीं पा रहे, उन तक बात नहीं पहुंच पा रही, ये इस तरीके की नाराजगी तो पहले आती रही है, लेकिन ये कहना कि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है ये पहली बार है शायद जिस तरीके से कहा गया है। शांति भूषण ने दरअसल कहा क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आ पा रही हो? टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान 3 चीजें कही हैं। पहला तो ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल में जो सांगठनिक क्षमता होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी जो है, उसकी कमी है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे कंसल्ट नहीं किया है कभी। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को और लोगों से भी कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि जो सलाह मशवरा करके ही फैसले लेने चाहिए। तो 2 मुद्दे जो हैं जिसमें शांति भूषण ये कह रहे हैं कि मुझसे संपर्क नहीं किया है और संपर्क करना चाहिए, तो इसमें जो पार्टी सूत्र हैं, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पार्टी ये कह रही है कि शांति भूषण ना तो पार्टी की जो सबसे बड़ी बॉडी है पीएससी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ना तो उसके सदस्य हैं और ना ही नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, तो रेगुलर बेसिस पे उनसे कंसल्ट करना तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो
ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी पे जो सवाल शांति भूषण उठा रहे हैं उसके ऊपर पार्टी फिलहाल कुछ बोलने बच रही है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल शांति भूषण उठा रहे हैं जिसका जवाब पार्टी के पास देना आसान नहीं होगा, क्योंकि शांति भूषण प्रशांत आपको बताऊं कि शांति भूषण वो शख्स हैं जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो बिल्कुल उसके कोर टीम के कहा जाए सदस्य हैं। पार्टी जब शुरू हुई थी पहला चंदा, पहला रुपया 1 करोड़ रुपए का चंदा शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी को दिया था, तो पार्टी के लिए अभी आसान नहीं है कि वो किस तरह से शांति भूषण के इस कमेंट पर रिएक्ट करे। तो अभी फिलहाल जो नेता है आपस में डिस्कस ही कर रहे हैं और अभी मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा जब पार्टी कोई टाइमिंग भी बहुत अहम है क्योंकि हो सकता है दिल्ली में जल्द चुनाव हो, इसके भी आसार लगने लगे हैं, तो क्या ये टाइमिंग भी बहुत अहम है, पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है जबकि वो शायद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़े या फिर दिल्ली में उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करें। टाइमिंग तो है ही लेकिन अगर टाइमिंग ना भी हो तो भी शांति भूषण का जो कमेंट है वो बहुत सीरियस कमेंट है, खासतौर से आज मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है दबाव बनाने के लिए कि दिल्ली में इलेक्शन करवाया जाए, तो देर सवेर दिल्ली में इलेक्शन तो होंगे ही और आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल दिल्ली इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन है भी नहीं, तो वो तैयारी कर रही है दिल्ली इलेक्शन के लिए और उस बीच में जब वो वापस अपना मोमेंटम बनाना चाह रही है उस बीच में शांति भूषण जो कि बिल्कुल ये कहा जाए कि बिना प्रशांत भूषण जो कि इनके बेटे हैं बिना प्रशांत भूषण से कोई कंसल्टेशन हुए कोई फैसला आम आदमी पार्टी में शायद ही होता हो, तो उस दौर में अगर शांति भूषण ही ये सवाल खड़े कर देंगे तो फिर पार्टी किस तरह से उसको रिएक्ट करेगी और किस तरह से डिफेंड करेगी ये पार्टी के लिए बहुत मुश्किल। देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है, हालांकि योगेंद्र यादव शुरुआती प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं लेकिन वो ये भी जोड़ दे रहे हैं कि मैंने बयान सुना नहीं है, लेकिन शांति भूषण जैसा शरद बता रहे हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है और केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाए, केजरीवाल से असंतुष्ट लोग रहे हैं, पार्टी को लेकर असंतुष्ट रहे हैं, पार्टी में लोग बाकी लोगों की बात नहीं सुनी जाती इसको लेकर असंतुष्ट लोग रहे हैं और विरोध होता रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, इस तरीके का बयान या इस तरीके की प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं आई। और शांति भूषण जैसा शरद बता रहे थे कि कोर ग्रुप में शुरू से जुड़े रहे हैं, शुरुआती लोगों में से शुरुआती तौर पर जुड़ने वाले लोगों में से एक हैं, तो उनकी ये राय बहुत अहम हो जाती है और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।